हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीएस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम पहले मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने एक पोर्टफोलियो बनवाया था आपका, और उसके बाद से काफ़ी सारे लोगों ने पोर्टफोलियो की डिमांड स्टार्ट करी है। जो हमारा ये ग्रुप है, आपको पता है, कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स का, इसमें रेगुलरली हम लोग अपडेट देते रहते हैं अलग अलग चीज़ों की, क्रिप्टो करेंसी की, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, फिक्स रिटर्न के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो सब आपको इसमें बताने की कोशिश करते हैं। फ्री ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको पहले वाले कमेंट में मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत सारे फेक ग्रुप बने हुए हैं, उनसे बच के रहना कृपा करके। ये सारे जो फेक ग्रुप की लिस्ट आपको यहां दिख रही है, इनसे बच के रहना। कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स ऐसा दिखता है, 156,000 लोग अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर हैं अभी, और कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहते हैं। आप बहुत ध्यान से जो लिंक है उसे इसको ज्वाइन कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इन्वेस्ट कैटलिस्ट ये जो नाम है ना, ये टेलीग्राम ग्रुप के आगे लिखा होता है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। काफी अच्छा आपको समझने को, सीखने को और आगे बढ़ने की चीजें मिलती रहेंगी। बात करेंगे आज की वीडियो की। आज की वीडियो में मैं आपको अप्रोक्सीमेटली नहीं, फिक्स 5 स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं, उनकी एनालिसिस करने वाला हूं। प्योरली एडुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया जा रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी एनालिसिस, आपके जो भी समझ है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है, मैं मान के चल रहा हूँ एवरेज पोर्टफोलियो जो है एक इंसान का, वो 10,000 से 1,00,000 के बीच का है। तो ये जो आज मैं सजेशन देने वाला हूँ, ये 10,000 से 1,00,000 के बीच में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास कम है, मान लो आपके पास 5,000 से 10,000 के बीच का आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, तो इसमें से मैं लास्ट में 2 स्टॉक्स हटा दूंगा, उसके अलावा जो बचेंगे उनको आप इन्वेस्टमेंट में ला सकते हो। अच्छे स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देंगे, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना, आपको अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। वन बाय वन करके हम एक एक करके स्टॉक्स की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो स्टॉक है ये है वर्धमान टेक्सटाइल का। वर्धमान टेक्सटाइल जो है ये बेसिकली यार्न, फैब्रिक वगैरह पे काम करते हैं और काफी टाइम से काम कर रहे हैं। अगर हम इनकी डेटा की बात करेंगे तो काफ़ी बड़ा इसका मार्केट कैप है, 12,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। काफ़ी अच्छी होल्ड बनाई हुई है कंपनी ने, और आपको इसका स्टॉक प्राइस 446 रुपये का मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही वैसे स्टॉक है जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, और आपको 99.19% आप कह सकते हो अच्छा रिटर्न देने के दम रखते हैं ये स्टॉक्स। तो ये आप, अगर आपका पोर्टफोलियो पे जैसा सजेस्ट करता है, ये आप 5 से 10 के बीच में खरीद सकते हो, अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है। अगर छोटा है पोर्टफोलियो तो मैं लास्ट में बताता हूँ कैसे बनाना है। तो अगर 10,000 से ऊपर का पोर्टफोलियो है तो आप इसको 5 से 10 के बीच में खरीद सकते हो, जितने आपके पास पैसे हैं। इसका पीई वैल्यू अच्छा हमें दिख रहा है, इसका डिविडेंड यील्ड कंटिन्यूसली हमें अच्छा दिख रहा है, और ये स्टॉक 576 से 224 के बीच में काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है। और अगर हम इसको देखेंगे तो ये पिछले एक साल में 251 से अभी इस समय, क्योंकि नीचे जा रही है चीज़ें, 446 तक जा चुका है। तो ये आने वाले टाइम पे अच्छा आउटपुट दे सकता है और अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। कंपनी ने अपना डेट जो है वो रिड्यूस किया है, लोन जो है वो उतारा है, जो कि एक अच्छा कह सकते हो और चीज़ है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी ने लोन अपना उतारा है, तो एक बहुत अच्छी हम कह सकते हैं चीज़ इससे हमें दिखती है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के प्रमोटर्स की बात करोगे तो प्रमोटर होल्डिंग्स भी इनके पास 63% के आसपास है, और शुरुआत से काफ़ी टाइम से अगर आप देखोगे तो 2019 से इनके प्रमोटर्स ने होल्डिंग छोड़ी नहीं है, जो कि एक अच्छी बात होती है कंपनी के लिए। तो पहला जो स्टॉक है वो आपके सामने वर्धमान टेक्सटाइल का स्टॉक है, जिसकी हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, स्टॉक की अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको पता है मेरे स्टॉक मार्केट के कोर्सेज हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे कोर्सेज हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपको मिल जाते हैं। मैंने 1500 से स्टार्ट किया था, उसके बाद बहुत सारी स्टार्टअप्स चलाई, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट की, अपनी खुद की स्टार्टअप्स भी हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो मैं वहाँ पे चीज़ें आपको करना सिखाता हूँ, कैसे आप स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ सकते हो, कैसे चीज़ें सीख सकते हो, ट्रेडिंग सारी चीज़ें हम बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। आप चाहो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ये कोर्सेज हैं, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वेबसाइट www.aspandit.com, इसी में जाके चेक कर सकते हो। और कूपन कोड जो है पंडित 30, ये आप यूज़ कर सकते हो, आपको इससे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। शुरुआत के 5,000 लोगों के लिए है ये कूपन, अभी ओपन होगा इस वीडियो के बाद। PANDIT आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, 30, इसको आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी कॉम्बो कोर्स आप ले सकते हो, और कोर्सेज के अंदर बहुत सारे, अराउंड इस समय 22,000 स्टूडेंट जो हैं वो इस कोर्स को अवेल कर चुके हैं। तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, और बहुत ही कम फीस पे 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे ही फीस पे उस पर आप डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो इसका लिंक भी आपको पहले वाले कमेंट में मिल जाएगा, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, सारी क्लासेस मैंने खुद ली है। बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है नारायण हृदयालय। ये जो स्टॉक है ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें बहुत अच्छा
आगे रिटर्न आते हुए दिखता है। इस कंपनी की अगर आप डेटा की बात करोगे, कंपनी की अगर आप डेटा को उठाओगे, तो मार्केट कैप काफी अच्छा होल्ड है, मार्केट काफी बड़ा है इसका, और इस समय जो ट्रेडिंग है इसकी वो 733 पे हो रही है। तो ये भी आप स्टॉक्स डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, ये मैं अभी लास्ट में आपको सजेस्ट कर दूंगा कितने कितने किसको, जैसे 5000 वाले को कितना कौन सा लेना है, 10000 वाले को, 50000 वाले को, 1 लाख वाले को, कौन कौन से लेने हैं, आई विल सजेस्ट दैट। तो ये आप उठा सकते हो, इसको भी आप 5 से 10 के बीच में उठा सकते हो, ये भी एक अच्छा आपको रिटर्न देने का दम रखता है। आप कहोगे सर इसका आरओई तो नेगेटिव है, इसका आरओई इसलिए नेगेटिव है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली अपना जो डेट है वो काफी ज्यादा उतारा है, कंपनी ने डेट काफी ज्यादा उतारा है, कंपनी ने बहुत अच्छा क्वार्टर दिया है, कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ है बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ दी है, तो उससे जो उन्होंने पैसा कमाया है वो कंपनी ने लोन उतारने में यूज किया है, जो कि एक अच्छा हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप देखोगे तो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज दिखती हैं, उस बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर देने के लिए यहाँ पे ये नारायण हृदयालय ये यहाँ पे बैठा हुआ और ये भी अच्छा खासा मार्केट कैप होल्ड कर रहा है। तो ये आपको एक अच्छा टारगेट दे सकता है आने वाले टाइम पे, लॉन्ग टर्म के लिए है। स्टॉक्स हमेशा ध्यान रखो, जो भी मैं ये पोर्टफोलियो बनवा रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो। आज का 10,000 लगाया हुआ आने वाले 10 साल का बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के ऊपर चला जाता है, डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से समझते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो लोग थोड़ा बहुत भी अमाउंट इधर उधर वेस्ट करते रहते हो ना, उसको बचा के, जब आप लोग बोलते हो ना सर जब मैंने ये इस तरीके से डाला मेरा रिटर्न आया, इस तरीके से डाला मेरा इतना बड़ा रिटर्न आया, आपकी कमेंट्स अगर जब देखते हो ना मैं, तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ तो चेंज मैं ला पा रहा हूँ, कुछ तो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो किसी की लाइफ में इंपैक्ट कर पा रही हैं, किसी को सिखा पा रही हैं। जब ग्रुप्स में आप लोग टेलीग्राम में जब आप रिप्लाई करते हो ना, बताते हो प्राइवेट मैसेज करके, तो उस टाइम पर लगता है कि नहीं इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने सीखा, नया नया सीखना शुरू किया, उसके बाद रिटर्न भी निकाल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नौकरी छोड़ के ट्रेडिंग करने लग गए। मैं कभी ट्रेडिंग सजेस्ट नहीं करता, बट स्टिल अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है तो आप उसको भी धीरे धीरे सीखना शुरू कर सकते हो, है ना, उससे आपको रेगुलर रिटर्न मिलते हैं 3-2%, 3%, 4% का, जो कि अच्छा होता है। बट स्टिल आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पर फोकस रखो, आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करो तो आपको अच्छा रहता है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है बलरामपुर चीनी मिल्स, ये भी शुगर कंपनी आप जानते हो इससे जुड़ी हुई है, और इसकी अगर हम डिविडेंड की बात करेंगे, ये डिविडेंड दे रहा है 0.48% का डिविडेंड दिया है इसने। डिविडेंड देने का एक मतलब होता है कंपनी काफी अच्छा होल्ड रखी है और प्रॉफिट निकाल रही है तभी डिविडेंड देती है। पीई वैल्यू इसकी मार्केट से मैच करती है, 22.9 का पीई वैल्यू है। पीई वैल्यू और ये सब चीजें आप जानना चाहते हो तो ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें हम लोग एक स्टॉक ज्ञान करके स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको फ्री बेसिक्स क्लासेस और साथ में स्टॉक के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी उस टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक पहले वाले कमेंट में मिलेगा। कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स सर्च कर सकते हो, बार बार बोल रहा हूँ इन्वेस्ट कैटलिस्ट जो है ये सबसे पहले लिखा होगा जब आप लिंक चेक करोगे, इसके अलावा बाकी सारे ग्रुप जो है वो फेक है, ठीक है। तो लोगों ने नेगेटिव तरीके की कोशिश करते हैं, जब लोग कुछ टक्कर नहीं दे पाते हैं कंटेंट में तो वो नेगेटिविटी कोशिश शुरू करते हैं भाई चीज़ें निकालना, है ना, तो चलता नहीं है वो लॉन्ग टर्म में, लेकिन क्योंकि हमारा जो कैटलिस्ट का बेस होता है ना वो ट्रस्ट बेस होता है। ट्रस्ट बेस का मतलब होता है जो है वो है, और आप लोग उस चीज़ का खुद ब खुद प्रचार करते हो। आपने कभी हमारे ऐड चलते हुए नहीं देखे होंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी, क्योंकि हम जो देते हैं वही आगे पास ऑन हो जाता है, दूसरा बच्चा दूसरे को बताता है, दूसरा स्टूडेंट दूसरे को बताता है या जो सीखता है। तो बलरामपुर चीनी भी आप ऐड कर सकते हो, 516 का है। इसके स्टॉक आप ज़्यादा उठा सकते हो अगर आपका अमाउंट अच्छा है, अगर आपके पास ज़्यादा होल्ड है तो आप इसको 10 से 20 तक का उठा सकते हो, 10-20 स्टॉक्स उठा सकते हो, और आपका कम है तो आप एक या दो में बताता हूँ आगे चल के। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की अगर हम बात करेंगे तो ये भी डाइवर्सिफाइड एक चीज़ों में काम करते हैं और अच्छा डिविडेंड इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने डिविडेंड जो 1.47% दिया जो कि अच्छा डिविडेंड आप कह सकते हो। पीई वैल्यू इज ऑल्सो फाइन, मार्केट कैप इज ऑल्सो वेरी बिग वेरी स्ट्रॉन्ग, 818 रुपये पे अभी ये ट्रेड कर रहा है और ये अच्छा टारगेट आपको दे सकता है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप उठाओगे तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देने का दम रखता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। इस टाइम पे इसको लेना सबसे बेस्ट है, इस समय ये मार्केट के हिसाब से बहुत तगड़ा जा रहा है, तो आप ये वाला स्टॉक भी अपने एक पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, कोरोमंडल इंटरनेशनल। नेक्स्ट थोड़ा सा कॉस्टली स्टॉक है बट हाँ अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देने का दम रखता है वाला स्टॉक भी, उसकी भी आज हम बात करने वाले हैं। ये है AU स्मॉल बैंक फाइनेंस लिमिटेड। ये जो फाइनेंस का बैंक है, ये स्मॉल बैंक है, ये पिछले कुछ सालों में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। उसका रीज़न है इन्होंने बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे सेक्टर्स में काम करना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल सर्विसेज इनकी काफ़ी अच्छी हैं, होलसेल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशन, ये काफ़ी अच्छा होल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी जल्दी उठा एक्चुअली ये बैंक। तो इस बैंक को आप कह सकते हो, इस बैंक का जो ट्रेडिंग इस समय करंट प्राइस है वो 1362 के आसपास है। तो अगर आपका छोटा अमाउंट है 5,000 का पोर्टफोलियो तो आप एक इसको उठा सकते हो, अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है तो आप इसके 8 से 9 स्टॉक उठा सकते हो, अगर आपका और बड़ा पोर्टफोलियो है तो आप इसके 10 से 15 भी उठा सकते हो। लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े रिटर्न देने का दम रखता है स्टॉक। पीई जरूर इसका ज्यादा है, स्टॉक जरूर थोड़ा महंगा है बट क्योंकि ये ऊपर जा रहा है इसलिए ये आपको महंगा दिख रहा है,
बट ये स्टॉक ऐसे हैं कि ये छोटे स्टॉक नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि आज खरीदो कल बेचो वाले नहीं है। मैं आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक्स बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका आज का 10,000 आने वाले साल का करोड़ बने, इसलिए मैं उस हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म में चीज़ें जो अभी डालते हो ना वो आपको आपको आगे चल के टेंशन फ्री करेगी। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, अपना इन्वेस्टमेंट जो आज जो आप खर्चे रोकते हो ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर हम तो ज़िंदगी जिएंगे, जी नहीं पाओगे अगर आप अभी ज़्यादा पैसे वेस्ट करोगे ना, अभी नहीं समझोगे ना, तो जब आपकी समझने की उम्र आएगी ना तो फिर आपको लोग ना समझ बोलेंगे। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना जो मैं बोल रहा हूँ। समझने की जब उम्र आती है तो उस टाइम तक अगर आप समझे नहीं हो ना तो जो लोग आपके सामने छोटे होते हैं ना वो आपको ना समझ बोलने लगते हैं, क्योंकि आप में समझ जब होनी चाहिए थी तब समझ थी नहीं। तो ये समझ का जो खेल है ना, ये अभी समझ जाओगे तो बेटर रहेगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट जब अकल आए शुरू करनी चाहिए, 10 साल का टारगेट रखना चाहिए। 10 साल में आप काफ़ी अच्छा इनकम बना लोगे, इवन आप नौकरी छोड़ के बैठ भी सकते हो, आपको इतनी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। मुझे एक स्टूडेंट, एक हमारा कैटलिस इन्वेस्टर मेंबर है, काफ़ी कंटिन्यूसली वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। उन्होंने पूछा था, अभिषेक नाम है, मुझे नाम भी याद हो गया, इतनी बार उस बच्चे का क्वेश्चन आया है। उसने मुझसे पूछा था अभी आज, जिसका मैसेज फॉरवर्ड होकर आया था, कि सर हम महीने मंथ के एंड में एक सैलरी की तरह अमाउंट उठाना चाहते हैं, तो इस तरह की कुछ स्टॉक सजेशंस आप देना शुरू करो मंथ में कि हमें महीने के एंड में 40-50 हज़ार रुपये का एक रिटर्न मिल जाए जिससे हम सैलरी की तरह या रेगुलर मंथली इनकम। तो उसका भी मैंने कुछ प्लानिंग की है जो नेक्स्ट मंथ से मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। उसके लिए आपको यहाँ पे एक्टिव रहना है, ग्रुप में एक्टिव रहना है, यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी एक्टिव रहना है। चैनल पे एक्टिव रहने का मतलब आप जानते ही हो, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कब वीडियो आ रहा है कब नहीं, कि कुछ वीडियोज़ मैं बीच बीच में हटाता भी रहता हूँ जो मुझे लगते हैं कि वो वीडियोज़ आए जो होना था, जितना सारा चीज़ें समझनी थी मैंने समझा दी, उसके बाद मैं उन वीडियोस को डाउन कर देता हूँ। तो आपको चीज़ें एक्टिव रहने के साथ ही समझ में आएंगी, इसलिए ध्यान रखा करो चीज़ों को। बात करते हैं आईयू बैंक का, मैंने आपको बता दिया है, अच्छा है, आप इसको पकड़ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप अपना है ही, फ्री ग्रुप है, इसको ज्वाइन करो, लिंक पहले कमेंट में मिलेगा। फेक और उल्टे सीधे लोगों से बचना, हम लोग कभी किसी से पैसे नहीं मांगते हैं कि ये पैसा देगा, ये इन्वेस्ट करो वो इन्वेस्ट करो, कुछ नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, उनसे बच के रहना। मेरा नाम बहुत सारे लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं कि मेरे नाम से बोलेंगे आपको कि आप पैसे दे दो, आप कभी मत करना ऐसी चीज़ें। भैया मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पैसे कमा लेता हूँ, आपसे नहीं लूँगा। आप सिर्फ इस ग्रुप को ज्वाइन करो और इस ग्रुप में जो भी सीखने की कोशिश है वो सीख सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्सेज ओपन है, डिस्काउंट पंडित PNDIT30 यूज़ कर सकते हो कूपन कोड, और खुश रहो, मस्त रहो, दिमाग लगाते रहो, पैसे कमाते रहो दिमाग से, और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो वो जरूर।